રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ મતદાન કર્યું છે. હરિયાણાના હિસારના કેવ હાઈસ્કૂલના બૂથ પર પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે. લોકતંત્રના સૌથી મોટા પર્વમાં ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ ભાગ લીધો છે. લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા ચરણનું આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે, જેમાં ડોક્ટર સુભાષ ચંદ્રાએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. सर वोट का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वोट करना हमारा फर्ज है तो इसलिए किया है, अपना फर्ज पूरा जी. लेकिन आप जिस तरह से पहुंचे, युवाओं की अगर बात कर ली जाए, अभी भी काफी वोटिंग परसेंटेज कम नजर आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वोट के? देखिए, लोगों को वोट तो युवाओं को सबको देना चाहिए. वो किसको दें वो उनकी अपनी मर्जी है, पर मत का पालन करना अधिकार भी है, कर्तव्य भी है. सर, इस बार वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम है पूरे इंडिया में, गर्मी है इसलिए शायद है. आने वाले दिनों में सर, इस लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी है, इम्पैक्ट लगता है सर कि कुछ इसका भी इम्पैक्ट रहेगा? सर मुझे नहीं लगता. चलिए शुक्रिया सर. तो कुल मिलाकर वोट कास्ट करने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जाते नजर आ रहे हैं, तो अपने वोट का इस्तेमाल डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से किया गया और सीधे सीधे मैसेज इनकी तरफ से यही दिया गया है कि हर किसी को अपने वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए. लोकतंत्र की जिस तरह से इस पर्व की अगर बात करी जाए तो इस पर्व में लोकतंत्र में वोट कास्ट का काफी इम्पोर्टेंस रहता है, तो उसी वोट का इस्तेमाल करने के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने गंतव्य की तरफ जाते नजर आ रहे हैं. तो कुल मिलाकर वोट के हक का इस्तेमाल इनकी तरफ से कर लिया गया और सीधे सीधे मैसेज जो है वो इनकी तरफ से यही दिया गया है कि हमें जरूर अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए. लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये और इस पर्व में हम सबको सहभागिता दिखाते हुए अपने वोट हक का इस्तेमाल जो है वो जरूर करना चाहिए. इस तरह का मैसेज जो है राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से दिया गया है. कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार. Thank you.